अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं भाई कि आपकी जो आईडी है वो कौन सी आईडी है, और आप जो काम करते हैं कंपनी की तरफ से, सर की तरफ से है या आजाद में है, और गाड़ी आपकी अपनी है या मतलब की कंपनी की है। तो भाई सबसे मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आईडी है भाई ये मेरी अपनी आईडी मैंने ली थी भाई, ये उस टाइम पे 500 रियाल की मैंने ली थी। उस बंदे भाई का नाम है जिससे मैंने ली थी, वो आदिल भाई का नाम आदिल है। और दूसरी चीज, ये सऊदी की आईडी मैंने उससे भाई से बनवाई थी, और अभी तक भाई 2 महीने से ऊपर हो गए इस आईडी पे मुझे काम करते हुए, लेकिन अभी तक इस आईडी पे कोई मतलब ऐसी कोई दिक्कत आई ही नहीं जिसको मैं बता सकूं हाँ भाई ये है वो है। अल्हम्दुलिल्लाह काम भी ठीक ठाक निकल जाता है, और अपना आईडी का तो अभी पैसे वैसे जो है वो अपना एसटीसी पे में ट्रांसफर हो जाते हैं। बाकी अगर जैसे कभी कभी कैश ज्यादा मिल जाता है, अगर कभी कभी कैश किसी किसी हफ्ते पूरे हफ्ते भाई कैश मिलता ही नहीं, देखने को नहीं मिलता एक रियाल, तो अपना एसटीसी पे में भी ट्रांसफर कर लेते हैं आराम से, ऐसी भाई कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो गाड़ी है, गाड़ी भी भाई अपनी गाड़ी है, और कंपनी की तरफ से नहीं हूँ भाई, मैं आजाद में काम कर रहा हूँ, आजाद में हूँ और अपना है। बाकी कंपनी की तरफ से मेरा कोई वो नहीं है भाई, मैं अपना आजाद में ही काम करता हूँ। कंपनी वाले जो है उनका भाई थोड़ा अलग सिस्टम है, उनको कंपनी बाइक, और आजकल मैं देख रहा हूँ, कल मैं रात से भाई नोटिस कर रहा हूँ, बाइक वालों की बहुत ही ज्यादा पकड़ धकड़ चल रही भाई। रात को मैं मतलब कि शाम को देखा, मतलब जिस एरिया में जा रहा हूँ उधर ही 2-4 बाइक 5 बाइक जहाँ पे पुलिस वाले अगर रेड लाइट पे खड़े, कहीं ना कहीं भाई बाइक वालों को तो बहुत ही ज्यादा कल मैंने देखा, उन लोगों भाई बहुत ही तो परेशान कर रखा है, क्या कर रखा भी है तो भाई क्या कह सकते हैं। बाकी बाइक से भाई जो काम कर रहे हो लोकल, अब जाए तो भाई कहाँ जाए, ऑर्डर ऐसा आ जाता है कभी कहाँ कभी कहाँ, ये तो है नहीं भाई कि बिल्कुल ही एकदम उनका आमना ही सामना ना हो। और अब कितनी भाई गली में घूमेंगे, रेस्टोरेंट पे अब कहीं कहाँ खड़े, कहीं कहाँ खड़े, सबको पकड़ के उठा उठा रहे, भाई अब बंदे के पास ऑप्शन क्या होगा। तो यही है भाई कि बाइक वालों के ऊपर पता नहीं यहाँ पे भाई बस कैसे यार काम धाम चलता रहे भाई सबका। मैं तो यही कहता हूँ क्योंकि भाई यही अपनी रोजी रोटी है, इसी बाइक से, अगर गाड़ी है या 4-व्हीलर है या 2-व्हीलर है, अगर भाई जब नहीं कमाएंगे तो जब अगर यही गाड़ी नहीं रहेगी, यही हथियार है हम लोगों का भाई, जो डिलीवरी वाले हैं यही हथियार है, यही सब कुछ है भाई, अगर ये चलाएंगे नहीं तो पैसा आएगा कहाँ से। तो बहुत ही ऐसा नहीं भाई, यहाँ आने के बाद में आदमी सोचता है कि बस वहां जाके हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसे ऐसा भाई कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। यहाँ पे जब लोग काम करते हैं डेली आमना सामना होता है डेली भाई, कहीं कहाँ बहुत मतलब प्रॉब्लम जो है ऐसा नहीं एक एक परसेंट की भी, वहां से ज्यादा प्रॉब्लम पे यहाँ पे आने भाई क्रिएट होती है। ऐसी बात नहीं है जो भाई काम कर रहे हैं, इस काम की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे सोचेगा आदमी आ रहे यार डिलीवरी करने जाके इधर उधर कर लेंगे भाई, जो कंपनी की तरफ से मैं बात करता हूँ, कंपनी की तरफ से जो लोग हैं कार वाले हैं उनको इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन बाइक वालों का भी सब कुछ है, नंबर प्लेट होता है, लेकिन फिर भी ये लोग भाई रुकवा लेते हैं। सबसे ज्यादा अगर परेशानी स्पीड में हो रही ना तो बाइक राइडर को भाई यहाँ पे हो रही, क्योंकि दुबई वाला यहाँ सिस्टम नहीं है मेरे भाई, दुबई वाला तो वहां का अलग सिस्टम है बढ़िया, वहां तो इतना नहीं है भाई, लेकिन यहाँ तो भाई कुछ ज्यादा, यहाँ तो रोड पे चलते ही इधर रोड पे ना लीगल है इलीगल है, इधर रुकवा लिया कहीं इधर रुकवा लिया, भाई बंदा जाए तो कहाँ जाए। तो ये सब चीजें हैं, बाकी भाई क्या कह सकते हैं। तो चलता हूँ भाई, मैं भी अभी निकल रहा हूँ, रात को ऐसे ऑर्डर पता नहीं क्या हो गया था, 2-3 ऑर्डर करने के बाद, उसके बाद 4 बजे के बाद मेरे ख्याल से 3-3.5 बजे के बाद से एक भी ऑर्डर नहीं आया, फिर 1.5-2 घंटा उधर बैठे रहे भाई, फिर चले आए रूम पे, और अभी इस टाइम निकल रहे भैया अपने काम पे, देखते हैं आज क्या होता है कहाँ तक पहुँचते हैं। सो गाइस अभी 3:46 हो रहा है, और अपना ये पहला ऑर्डर स्टार बॉक्स से आया हूँ अभी लेने के लिए, रूबीन में, ये जहाँ पे जरीर है, यहाँ दायरी वाले रोड पे जो है नहीं बिल्डिंग, यहाँ से अपने को ऑर्डर लेना है, ऑर्डर अपना हो चुका है रेडी, तो चलते हैं पहले ऑर्डर लेते हैं फिर उसके बाद लेके निकलते हैं, ये बगल में देखे आना, ज़्यादा दूर है नहीं, पास में ही है। जो हंगर स्टेशन वाले भाई भी ये भी डिस्काउंट वगैरह देते रहते, देखो अगर गाड़ी है अपने पास में तो 30% लेबर पे डिस्काउंट, और स्पेयर पार्ट पे 10% डिस्काउंट, ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर 115 रियाल में, फ्री इन्फेक्शन गाड़ी का, और मेक श्योर दैट द ऑफर ओनली फॉर रियाद ब्रांच। ये रियाद वालों के लिए अगर भाई किसी के पास है गाड़ी तो जाओ फ़ायदा उठाओ, ये ऑर्डर देते रहते। बाकी हमने अपना ऑर्डर ले लिया है, और अभी हम देखते हैं इसकी लोकेशन, इसको मैं 4 किलोमीटर दूर से आया हूँ इस ऑर्डर को लेने के लिए, ठीक है, और देखता हूँ कितने किलोमीटर हमें जाना है लेके। यहाँ से लोकेशन स्टार्ट किया हमने, Head northwest toward, then turn right onto 1.8 किलोमीटर, मतलब हाँ देख लो 2 किलोमीटर लगभग लेके जाना है, और 4 किलोमीटर से आया था इस ऑर्डर को लेके,
ऑर्डर को लेने के लिए, क्योंकि मैं था दूसरी साइड में, उधर से घूम के आना पड़ा मुझे इसको लेने के लिए। चलता हूँ लेके फिर इसे अभी। गाइज अभी ऑर्डर भाई नहीं आ रहा है और क्या करे भाई, सीट फोल्ड करके आधे घंटे 40 मिनट हो गया ऐसे भाई बैठे 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 बैठे। तो अभी लोकेशन पे अपने हैं लेकिन भाई आज ऑर्डर, वैसे रात में भी काम बता रहा हूँ, रात में नहीं हुआ था वो, तो जैसे मैं आया तभी वो स्टारबक्स का एक ऑर्डर आया था, उसके बाद से अभी 40-50 मिनट होने वाला है, अभी तक भाई एक भी ऑर्डर नहीं आया है। लेकिन कोई नहीं, वेट करते हैं। तो ऐसी बात नहीं भाई, ऑर्डर हर जगह डाउन ही होता है, तो भाई दिल छोटा मत करो कि अगर ऑर्डर नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा है, तो कभी कदार होता है मेरे भाई। और काम इंशाल्लाह अभी 1-2 दिन में काम सेट होएगा, अभी चलेगा 1-2 हफ्ते बढ़िया काम चलेगा। अभी इनकी सैलरी वगैरह आ जाने देना, फिर काम थोड़ा अच्छा चलेगा, क्योंकि अभी सैलरी वगैरह भी नहीं है, अभी तो तनख्वाह उनखा इनकी ख़त्म है और महीने का एंड चल रहा है, तो तनख्वाह उनखा आए तो फिर ऑर्डर करेंगे। अभी फिलहाल हम भी अभी अपने लोकेशन पे ही हैं, एग्जिट नंबर 2 वही सुल्तान बर्गर के पास में, गाड़ी का लगा के भाई वेट कर रहे हैं आधा घंटा 40 मिनट। यार मज़ा नहीं आता जब तक ऑर्डर ना आए ना, लगातार ऑर्डर आता रहे तब तो मज़ा भी आता है, या फिर हल्की फुल्की बारिश हो जाए तब काम अच्छा आता है। देखते हैं ऑर्डर कभी, तो कितना टाइम हो रहा है अभी, टाइम हो रहा है मेरे हिसाब से 4:48 हो चुके हैं। देखते हैं अभी तक एक ऑर्डर किया है, समझ जाओ आप भाई, अभी तक मतलब जब से मैं आया हूँ अभी तक 1-1.5, मतलब मैं तो निकला था भाई 3-3 बजे के आसपास, 3:15 निकला था रूम से, और अभी तक सिर्फ एक ही ऑर्डर कर पाया हूँ। तो कोई नहीं, देखते हैं, दिल छोटा नहीं करना भाई, आएगा आएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, उसकी मर्जी। हाँ तो देखते हैं कितनी देर में ऑर्डर आता है अभी दूसरा। अभी तो स्टारबक्स का 13 रियाल 13.5 रियाल का ऑर्डर था, अभी ये देखता हूँ अभी आए तो पता लगे भैया पास का आता है दूर का आता है, वो तो आने के बाद ही पता लगेगा फिर। गाइज अभी 5:35 हुआ है और अभी ये भाई सेकेंड ऑर्डर अब आया है, देखो सलाद सैंडविच का, और देख लो 5:35, मतलब 2-2.5 घंटा बाद ये ऑर्डर आ रहा है, अपना ऑर्डर नंबर 2 है, चेक करें भाई। तो आज काम है डाउन है, देखते हैं भाई आज टारगेट पूरा हो पाता है कि नहीं। और अभी ऑर्डर रेडी होने में लगभग 8 मिनट लग भी जाएगा, अभी जस्ट अभी आया है 5:35 पे, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है इस ऑर्डर को रेडी होने में। गाइज अभी जैसे मैं वो ऑर्डर देके आया हूँ वैसे ही देखो तुरंत ही फिर ऑर्डर आ गया वहीं पे बर्गराइजर का। तो कभी कभी होता है भाई 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहो ऑर्डर ही नहीं आता, और जब आता है तो तुरंत ही आने लगता है। तो अभी ये ऑर्डर आया 15 रियाल का, अभी ज़्यादा दूर का है नहीं, तो अभी 7 मिनट लगेगा इसको रेडी होने में, रेडी हो जाए फिर उसके बाद निकालते हैं इस ऑर्डर को भी फटाक से। गाइज आज भाई अपना 200 का टारगेट नहीं पूरा हो पाया है, और अभी टाइम हो रहा है 12:15, और मैंने ये मतलब एक ऑर्डर कर दिया है, और जो 23 तारीख में, और ये 22 तारीख जो आज भाई, इसमें मैंने टोटल 12 ऑर्डर किए हैं, और 12 ऑर्डर में दिखाता हूँ भाई कितना बना है अपना हिसाब किताब, अभी आपको भाई चेक कराते हैं। तो आज चूक गया हूँ, वो इसलिए चूक गया क्योंकि रात को सिर्फ 3 ही ऑर्डर कर पाया था, इतने टाइम में मैं सिर्फ 3 ऑर्डर, बहुत टाइम वेस्ट हो गया था, ऑर्डर ही नहीं आया पूरी रात, 2-3 बजे के बाद तो कोई ऑर्डर ही नहीं आया था। तो आप ये देखें भाई, हाँ 12 डिलीवरीज मैंने कंप्लीट करी है, और 195 मतलब 5 रुपये से चूक गया हूँ, आज अपना टारगेट नहीं पूरा हो पाया, नहीं तो आज टारगेट पूरा हो जाता तो फिर ये 200 की लाइन चलती रहती, लेकिन ये जरा सा भाई 5 रुपये मतलब 5 रियाल के चक्कर में सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो गया है। और अभी तक ये थी रही मेरी भाई 3 डे में, मैंने 3 दिन में 726 रियाल का टोटल अभी तक मैंने काम किया है, बाकी ये रहा अपना लेखा जोखा। और अभी देखते हैं अभी अपनी लोकेशन पे अब कोई ऑर्डर ऑर्डर आता है कि नहीं आता है, देखते हैं भाई 12 बजे के बाद तो ऑर्डर डाउन हो जाते हैं वैसे भी, तो वेट करते हैं देखते हैं आज कुछ निकलता है ऑर्डर कि नहीं। आज 3-4 कल तो 3 ही ऑर्डर पूरी रात में कर पाया था 12 बजे के बाद से, और आज देखते हैं मेरे भाई आज कितने ऑर्डर कर पाते हैं। बाकी इस वीडियो का एंड ये करते हैं, आप सबको भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।